दोस्तों हम चल पड़े हैं और हमने अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर दिया है यहाँ से। और आप देखते रहे ये गाड़ियाँ, ये देखिए दोस्तों ये कंक्रीट प्लांट है। तो ये ब्लॉग छोटा बनेगा दोस्तों, लेकिन आगे जा कर के देखते हैं कैसा बनता है। आप देखते रहे आप, थोड़ा मुझे धीरे भी दोस्तों चलना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि नीचे भी अगर दिक्कत आती है मोबाइल को कंट्रोल करने में। देखिए काफ़ी सारी दुकानें भी हैं यहाँ पर, और ये ट्राली खड़ी है लोडेड। और मेरे पीछे भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आती हुई, तो मैं साइड में रहता हूँ ताकि वीडियो जो है अच्छी बने। यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और ये देखिए दुकानें पीछे। थोड़ा सा मैं आपको आगे से दिखा देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। ये देखिए ये जो मुबारकपुर की तरफ दोस्तों ट्रैफिक जा रही है, हम भी इसी तरफ जा रहे हैं, ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और इस रोड को दोस्तों चौड़ा करने का सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है इस रोड को जो है दोस्तों चौड़ा नहीं किया गया। और सबसे बड़ी कठिनाई इस रोड के ऊपर ये है दोस्तों कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और ट्रैफिक में चलना आसान नहीं है दोस्तों। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से मैं बना रहा हूँ, हाल करके बहुत एक तरह से एडजस्टमेंट करके बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये हरियाली का आनंद लीजिए दोस्तों आप, हरियाली काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और इस रोड को भी दोस्तों ले करके मैं आज वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, और आप सभी से अनुरोध है कि आप उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना, ताकि जनता मेरे साथ जुड़े दोस्तों, और बात सरकार तक पहुँचे अगर नहीं पहुँची है। वैसे तो पहुंच चुकी है दोस्तों, अगर थोड़ी बहुत कमी है तो वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि मीडिया जो है दोस्तों, जो पत्रकार है, वो एक तरह से जनता की भलाई के लिए ही काम करता है, और सरकार की भलाई के लिए भी काम करता है। तो यहाँ पर दोनों बातें आ जाती हैं दोस्तों, और हमारा मकसद यही रहता है कि हम अपनी पत्रकारिता को जो है सुचारू रूप से और सच्चे रूप से चलाएँ, ताकि कल को हमारे पर कोई प्रश्न ना उठे दोस्तों। कोई हमारा अपना फ़ायदा नहीं है इसमें, हमारा सिर्फ इतना फ़ायदा है कि जनता हमसे जुड़ रही है। कोई हम पैसा किसी से दोस्तों नहीं ले सकते, और ना ही हम लेंगे। यह है सरकारी दफ्तर दोस्तों, यहाँ पर आज छुट्टी है, यहाँ बिजली के बिल वगैरह भरे जाते हैं, देख लीजिए दोस्तों। और काफ़ी सुविधा हो गई है जिस दिन से ये बिजली के बिल यहाँ पर दोस्तों भरने शुरू हुए हैं, था हमें या तो सैदपुरा जाना पड़ता था या फिर डेरा बसी। तो जो सिस्टम हुआ है दोस्तों काफ़ी अच्छा हो गया है, और मैं सराहना करता हूँ इसकी। और इस रोड के ऊपर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, और आज नहीं तो कल होगी, क्योंकि आज छुट्टी है, शनिवार है, इसलिए ट्रैफिक थोड़ी कम है। कल शायद छुट्टी ज़रूर है दोस्तों, लेकिन फैमिली वाले आते जाते हैं रिश्तेदारियों में और कहीं, तो इसलिए थोड़ा कल ट्रैफिक ज़्यादा हो सकती है। और इधर भी फैक्ट्री है दोस्तों, तो आते हुए दिखाऊँगा आपको। तो ये ब्लॉग दोस्तों ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता मैं, क्योंकि फिर दिक्कत आती है वीडियो अपलोड करने में। और इस ब्लॉग को दोस्तों थोड़ी आगे जा करके मैं समाप्त करूँगा, लेकिन अभी आप देखते रहे। यह है चंडीगढ़ रिजॉर्ट दोस्तों, जो कि शादी ब्याह की यहाँ पर टेंट लगाए जाते हैं, बुकिंग करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ट्रैफिक दोस्तों इस रोड के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, भी काफ़ी ज़्यादा है, और ट्रैफिक ज़्यादा होने का कारण भी यही है दोस्तों, यहाँ पर संभल के चलना पड़ता है, और रोड कम पड़ा है, तो यहाँ पर रोड वगैरह लगे हुए हैं दोस्तों,
भी हमें ध्यान में रख करके चलना पड़ता है यहाँ पर। ये देखिए दुकानें हैं, दुकानें वगैरह हैं, दुकानों की भी वीडियो थोड़ी आपको मैं बना करके दिखा देता हूँ। ये देखिए केले वाले खड़े हैं यहाँ पर, खरीदारी आप कर सकते हैं दोस्तों। इस ब्लॉग को दोस्तों मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और आगे की जानकारी के लिए नई वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा दोस्तों।